क्या स्टेम सेल थेरेपी एक मैजिकल क्योर है ऑटिज्म के लिए? आजकल स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। चलिए एक अनबायस्ड रिव्यू करते हैं इस टॉपिक पे आज के वीडियो में। हाय, वेलकम बैक टू सेम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको लेकर हमें बहुत सारे पेरेंट्स के काफी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और वो है स्टेम सेल थेरेपी। क्या स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज्म के लिए इफेक्टिव है? क्या आपको अपने बच्चे के लिए स्टेम सेल थेरेपी करवाना चाहिए? आज के वीडियो में हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ताकि आप अपने बच्चे के लिए ये चूज कर सके कि आप उनके लिए स्टेम सेल थेरेपी के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिफोर वी मूव अहेड, देयर इज अ डिस्क्लेमर। व्हाटएवर वी आर गोइंग टू शेयर हियर थ्रू दिस वीडियो इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव रेड एंड रिसर्च्ड अबाउट स्टेम सेल थेरेपी सो फार, एंड देयर इज नो क्लेम दैट वी आर मेकिंग थ्रू दिस वीडियो। आइए पहले जानते हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे स्किन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, इसी तरह से स्टेम सेल्स भी होते हैं। बट स्टेम सेल्स की एक बहुत अच्छी खासियत है कि नंबर वन, स्टेम सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि एक स्टेम सेल से मिलियन स्टेम सेल्स बनाए जा सकते हैं। और नंबर टू, आप स्टेम सेल्स को अगर मसल सेल में डाल देंगे तो वो मसल सेल का रूप ले लेगा, अगर ब्रेन सेल्स में इसको इंजेक्ट करेंगे तो वो ब्रेन सेल्स का रूप ले लेगा, यानी कि स्टेम सेल किसी भी तरह के सेल्स का रूप ले सकते हैं। और इसी खासियत को यूज करते हुए स्टेम सेल थेरेपी यूज की जाती है टू ट्रीट डिजीजेस लाइक ब्लड कैंसर, कॉर्निया डैमेज और या फिर किसी भी तरह की इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। स्टेम सेल थेरेपी 1968 से बहुत वाइडली यूज हो रही है, आफ्टर रॉबर्ट ए गुड ऑफ मिनेसोटा यूनिवर्सिटी डिड द फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी ऑन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस। तब से इसके ऊपर बहुत कंटिन्यूड रिसर्चेस चल रही हैं और बहुत से लोग इसको डिफरेंट डिजीजेस में की क्योर करने में यूज करने की बात कर रहे हैं। आजकल बहुत से आर्टिकल्स में और बहुत से वीडियोस में लोग स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म की क्योर की तरह भी देख रहे हैं, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या अपने बच्चों को के लिए उन्हें स्टेम सेल थेरेपी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। वेल, इस डिसीजन पर आने से पहले आइए स्टेम सेल थेरेपी के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। स्टेम सेल थेरेपी में जो पहला स्टेप लिया जाता है वो है प्री ट्रीटमेंट चेकअप्स, जिसमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर्स चेक करते हैं, उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट के लिए स्टेम सेल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो रिकमेंडेड है कि नहीं। वंस द डॉक्टर गिव्स अ गो अहेड, उसके बाद बारी आती है स्टेम सेल कलेक्शन की। स्टेम सेल्स कलेक्शन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो कोई मैचिंग डोनर का स्टेम सेल यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो पेशेंट का खुद का स्टेम सेल भी यूज किया जा सकता है। इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट की हिप बोन से एक इन्वेजिव प्रोसीजर के थ्रू सिरिंज के थ्रू बोन मैरो एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसमें से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उसके बाद लेबोरेटरी प्रोसीजर में कभी कभी स्टेम सेल्स को कल्टिवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ताकि उनकी क्वांटिटी सफिशियंट हो सके। वंस द स्टेम सेल्स आर प्रिपेयर्ड, उसके बाद अब बारी आती है ट्रीटमेंट की, एक्चुअल ट्रीटमेंट की, जिसमें कि स्टेम सेल्स को पेशेंट की स्पाइनल कैनल के अंदर सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। इट कैन बी अ पेनफुल प्रोसीजर, इट्स एन इनवेसिव प्रोसीजर, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। आफ्टर द प्रोसीजर इज डन सक्सेसफुली, उसके बाद कई सारे फॉलो अप सेशंस होते हैं डॉक्टर्स के साथ, जिसमें वो रिजल्ट्स को असेस करते हैं, एंड काफी बार इस प्रोसीजर को मल्टीपल टाइम्स दोहराने की जरूरत पड़ती है इफ द डॉक्टर फील्स सो। तो अभी हमने जाना स्टेम सेल थेरेपी के प्रोसीजर के बारे में। यहां पे एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने की है कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज्म के केस में बेनिफिशियल है, इस बात का अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सो अगर आप अपने बच्चे के लिए स्टेम सेल थेरेपी कंसिडर कर रहे हैं
तो आपको कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं। क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो बाकी प्रोसीजर्स की तरह ही इसमें भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। इसके साइड इफेक्ट्स में नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक से लेकर सीजर्स और इवन ट्यूमर्स के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर आप स्टेम सेल थेरेपी को कंसिडर कर रहे हैं तो इन रिस्क के बारे में अपने डॉक्टर से डिटेल में बात कीजिएगा और इसके चांसेस के बारे में उनसे जरूर पूछिएगा। स्टेम सेल थेरेपी का जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है। इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 15-20 लाख रुपए तक भी जा सकती है। जैसा हमने पहले बताया कि स्टेम सेल थेरेपी में हो सकता है कि एक से ज्यादा सेशंस, एक से ज्यादा बार ये प्रोसीजर करने की भी जरूरत पड़े, जिसकी वजह से ये कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। सो अगर आप स्टेम सेल थेरेपी कंसिडर कर रहे हैं तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी जरूर कंसिडर करें। क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है तो हमें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो प्रैक्टिशनर हमारे बच्चे के साथ ये प्रोसीजर करने वाले हैं वो एक स्किलफुल प्रैक्टिशनर है। इंडिया में बहुत से मैल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, तो आई वॉन्ट टू वॉर्न यू ऑन दैट, क्योंकि ये इंश्योर करना कि वो इंस्टीट्यूशन और वो प्रैक्टिशनर ऑथेंटिक है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अगर उन्होंने ऐसे केसेस पर काम किया हुआ है पहले, ऑटिज्म के केसेस में स्टेम सेल थेरेपी का यूज किया है, तो उनसे आप उन पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उनसे आप खुद बात कीजिए। आप उनसे बात कीजिए टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स कि प्रोसीजर उनके लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, उनके बच्चे में अब तक क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ताकि आप अपने बच्चे के लिए ये कॉल ले सकें कि आपको इस प्रोसीजर के लिए जाना है या नहीं जाना है। एक पॉइंट और जो कंसिडर करने वाला है यहाँ पे, वो ये कि स्टेम सेल थेरेपी प्रोसीजर होने के बाद भी आपको थेरेपीज बच्चे की कंटिन्यू रखनी होगी। हमें ये समझना जरूरी है कि ऑटिज्म या किसी भी और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हर एक बच्चा यूनिक है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, उसके अलग पॉजिटिव्स हैं। इन आवर ओपिनियन आपको अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाने की जरूरत है, जो कि बच्चे के ग्रोथ कर्व को देखकर आपको सही तरीके से बता पाएंगे कि इस समय स्टेम सेल थेरेपी के प्रोसीजर का रिस्क लेने की जरूरत है भी या नहीं। जब स्टेम सेल थेरेपी के बारे में हमें पता लगा था, उस समय पे हमने भी अपने डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से बात की थी और संयम के उस टाइम के ग्रोथ कर्व को देखते हुए उन्होंने सजेस्ट किया था कि अभी जो संयम का ग्रोथ चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है और थेरेपीज के थ्रू ही अगर हम इसको कंटिन्यू करें और रिकवरी की तरफ ले जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन गोइंग फॉर अ रिस्क ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। So, इसलिए हमने स्टेम सेल थेरेपी नहीं करवाई थी सेम। एज अ पेरेंट अपने बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो स्टेम सेल थेरेपी करवाना है या नहीं करवाना है, आप जो भी पाथ चूज करें, चूज इट वाइजली एंड चूज इट विद लॉट ऑफ कॉशन एंड केयर, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Thank you.